अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो, मैं हूँ इस्लामाबाद में F7 के कोने में, मैं यहाँ पर गुजर रहा हूँ। मैंने चाय पीनी है, मैंने ये पीना ही नहीं था, बट यू नो व्हाट आई लाइक्ड, मुझे क्या पसंद आई, शोमैनशिप। जब भी आप कोई चीज़ बेचने जाते हो, देखो भाई क्या करने वाले हैं, हवाई फेयर। इससे क्या होता है, हर बंदे का ध्यान हो जाता है कि यहाँ पे बन क्या रहा है, बन क्या रहा है। लेट मी शो यू क्या बन रहा है। इन्होंने नींबू का काटे, यहाँ पे कैरमलाइज्ड शुगर रखी हुई है, फिर थोड़ी क्रश बर्फ डाली एंड ऊपर ये सोडे डाल दिए एंड ये डाल दिए, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, लेमन सोडा। यस, एंड 40 रुपए का इनको पहुँच रहा है, 50 की बेच रहे हैं, माशाल्लाह इनको बहुत देर दरादार निकल रहे हैं। दिस 3 सेल्समैन, राइट। कोई बहाना नहीं मार सकता कि यार बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बिजनेस खोलने में। आई थिंक दिस इंटायर सेटअप इज 10,000 का खुल जाएगा आराम से, मैक्सिमम। और अगर आप इस्लामाबाद में हुए F7 में, पान कॉर्नर लाजमी आइएगा। कौन सी कॉर्नर? पान कॉर्नर, ठीक है, जरूर लाजमी आइएगा। मैंने वो साथ वाला ट्राई किया, दैट वाज नाइस, बट आई एम श्योर ये उसमें सोडा नहीं था, उसमें सिर्फ 7 अप थी, इसमें आई एम श्योर पानी था, सॉरी, आई एम श्योर दिस विल टेस्ट मच बेटर। अच्छा मिलियनेयरो, जल्दी से आपको ब्रेक डाउन दे दूँ इसकी रेसिपी का। सोडा वाटर यानी कार्बोनेटेड वाटर 24 बोतलें आती हैं एक क्रेट में, 180 रुपये का क्रेट मिलता है, यानी 7.5 रुपये की फी बोतल आपको पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सिर्फ आम पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट वाली जो बोतलें हैं उनमें पानी भर के कार्बन डाइऑक्साइड मिला के उसके साथ दे रहे हैं। इसके बाद लीमूस में पड़ते हैं, 1800 रुपये की तरी आती है, 360 रुपये के किलो आते हैं और एक किलो में 48 ग्लास बनते हैं, यानी एक ग्लास में 7.5 रुपये के लीमू पड़ते हैं। अगली चीज़ जो इसमें डलती है वो कैरमलाइज शुगर है, चीनी को पिघला के उसका एक शीरा बनाया जाता है, वो सिर्फ 2 रुपये फी ग्लास बनता है। फिर 1 रुपये का स्ट्रो, 2 रुपये की बर्फ, 1 रुपये का नमक। अहम रह जाती है ग्लास की खुद की कीमत, 6,000 रुपये के 1,000 ग्लास आते हैं, यानी 6 रुपये का आपको एक ग्लास मिलता है। ये टोटल शायद 27 रुपये बनता है, इन्होंने हमें बताया कि 40 रुपये शायद इन्होंने उसमें अपनी वेजेस का लगा दिया, किराए का लगा दिया, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं 3-4 बंदे खड़े हुए हैं, 3 बंदे सेल्समैन है, एक बंदा अपना बना रहे सोडा। इस्लामाबाद में मुझे 50 रुपये का ग्लास मिल रहा था, बाहर लाहौर में मुझे यही ग्लास 60-70 रुपये के दिखाई देते हैं। इस दुकान की जो एवरेज सेल हो रही थी वो 50 रुपये फ़ी घंटा थी, यानी कि अगर ये स्टाफ के साथ चला रहे हैं तो 500 रुपये फ़ी घंटा कमा रहे हैं, अगर स्टाफ के बगैर चला रहे हैं यानी आप खुद चला रहे हो तो 1,000 रुपये फ़ी घंटा। प्लस डिपेंड करता है कि आप 50 रुपये के बेच रहे हो, 60 रुपये के बेच रहे हो, 70 रुपये के बेच रहे हो, जितने के बेच रहे हो उतने ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। प्लस रिमेंबर लोकेशन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मोबाइल दुकान चलाओ, यानी वो जो साइकिल के ऊपर होती है, मोटरसाइकिल के ऊपर होती है, ताकि आप अच्छा लोकेशन ढूंढ सको और उस पर एस्टैब्लिश करो अपने आप को। मैं हूँ अच्छा वाला, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।